हे मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब बहुत ही समझदार और इस आध्यात्मिक मार्ग में बहुत आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी आध्यात्मिक जर्नी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, क्योंकि तुम्हारी छठी इंद्री जागृत हो चुकी है। जब ये छठी इंद्री जागृत होती है, तब आपको अपने पास्ट में क्यों हुआ, प्रेजेंट में आप कैसे रह रहे हो और फ्यूचर में आपको सबका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पता होता है। आप लोगों के मन की बात को भांप लेते हो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, आप बिना लोगों के शब्दों के उनको पहचान लेते हो। जब आपके सिक्स्थ सेंस एक्टिव होती है, और जब सिक्स्थ सेंस एक्टिव होती है, ये ज्ञान परमात्मा सभी लोगों को नहीं देते। ऐसी बहुत ही कम पुण्य आत्माएं होती हैं जो इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलती हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का स्वयं ईश्वर मार्गदर्शन करते हैं। उनके जीवन में जब दुख चरम सीमा पर होते हैं, उस समय से पहले वो बच्चे परमात्मा की बहुत भक्ति करते होते हैं। तो जब उनके जीवन में दुख चरम सीमा पर आता है, तो वो उनकी भक्ति की परीक्षाएं होती हैं कि वो ईश्वर पर अपना विश्वास अब भी बनाए रखते हैं या इसको छोड़ देते हैं। लेकिन होता ये है, जो उस परमात्मा के परम प्रिय बच्चे होते हैं, वो कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि उनको ईश्वर पर विश्वास करना ही पड़ता है। ईश्वर के अलावा उनका और साथी कोई और होता ही नहीं है। इसीलिए जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, उनका स्वयं परमात्मा साथ देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा खुद को अकेला पाते हैं, बहुत असहाय महसूस करते हैं, तब तक जब तक उनको ईश्वर साथ की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जैसे ही उसको परमात्मा का साथ मिल जाता है, उन पुण्य आत्माओं को, फिर उनको किसी भी प्रकार के लोगों के साथ की आवश्यकता नहीं होती। वो अकेले ही बहुत खुश रहते हैं। उनका किसी से भी बात करने का मन अपने आप से ही नहीं करता। ये वो लोग जानबूझकर नहीं करते हैं, वो स्वयं परमात्मा उनसे करवा देती है, लोगों से डिटैच करवा देते हैं उन्हें, ताकि लोगों द्वारा उनके भीतर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना दी जाए, किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार उनके भीतर ना दिए जाएं। और आप देखेंगे, जब आपकी छठी इंद्री जागृत होती है, उसके बाद आपके भीतर बहुत अच्छा आप महसूस करते हैं, आपको खुशी महसूस होती है, और यही भाग्य परी